हॉस्टल ड्रामा जो आपने किया, तो आपको नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर कर लिया उसमें? वो था ही ऐसा, क्योंकि उसकी स्टोरी ऐसी थी, एक पॉजिटिव टीम थी और एक नेगेटिव टीम थी। पॉजिटिव टीम थी वो हिनाल ताप संभाल रही, नेगेटिव टीम मैं संभाल रही थी। तो हाँ हुआ था नेगेटिव, एक्चुअली नेगेटिव कैरेक्टर नेगेटिव नहीं होगा तो क्या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा, सही बात है। और एंड में उसकी जो एंडिंग है आपने देखी, वो बहुत जबरदस्त है। मतलब एंड में मुझे सारा, जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे और जो कर रहे थे ना, तो वो एंड में बिल्कुल ही चेंज हो गया। अगर कोई मेल और फीमेल एक्टर बदतमीजी करता है सेट पे, तो आप क्या करती हैं? आपसे अगर कोई करे तो सबसे पहले तो मैं बर्दाश्त करती हूँ, उसके बाद कि नहीं यार अंदर तो मैं बहुत यू नो कल्पना होता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, जानती नहीं है। बट अदर देन दैट कि सेट का माहौल खराब ना हो, तो सबसे पहले मैं बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ। और अगर वो बार बार मुझे हिट करे, देन मैं उसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जवाब देती हूँ कि भाई अब तो रुक जा, या हल्का हो जा, हल्का हो जा, वरना तो ये पता नहीं है मैं कितनी खतरनाक हूँ। अच्छा, लाइबा खान के साथ आपने एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें लाइबा खान बड़ी कोई अजीब सी लग रही थी, और उस पर लाइबा खान ने आपको कमेंट भी किया था कि आई डोंट लाइक एनी यू एनीमोर। तो उसके बाद मुझे पता है लाइबा से कोई लड़ाई हुई थी? नहीं नहीं, नहीं, शी इज अ स्वीट हार्ट। वो बहुत स्वीट हार्ट है, अच्छी लग रही थी यार, बेबी सी लग रही थी। मतलब वो सोच रही थी जो मैंने सेकंड में पिक्चर लगाई ना उसको फर्स्ट पे लगाओ, फर्स्ट पे लगाओ, फर्स्ट पे लगाओ, इस वजह से। लेकिन प्यारी तो लग रही थी लाइबा खान, अच्छी तो लग रही थी यार, बस पता नहीं बिलाव जो मैं लाइबा परेशान हो रहा। अच्छा जी, अब ये बताइए कि जिंदगी का गोल क्या है? लोगों का गोल होता है शादी करना, मेरा वो गोल नहीं है, शादी तो एक करनी है, बट मुझे जो काम मैं कर रही हूँ ना उसमें बहुत ऊपर जाना है। सही है, मुझे पता है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेगी आगे लाइफ में, बट या वहाँ तक मुझे काम है। इंशाल्लाह दुआ है आप बिल्कुल पहुँचेंगी। कभी आपने इंस्टाग्राम पर किसी को स्टॉक किया? इंस्टाग्राम पर ये तो बहुत सारे लोगों को हुआ, एक बंदा बता दें, होता है लड़कियों को भी करता है बंदा, सिर्फ लड़कों को नहीं लड़कियों को भी करता है। क्या मतलब, मैं क्या लड़कों को? नहीं, वही वही बोल रहा हूँ कि लड़कों को ना बताएं, लड़कियों को बताना है किसी एक लड़की को। यार मुझे एक दफ़ा एक मेरी फ्रेंड थी, उससे मुझे अनफॉलो किया। तो मतलब मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं थी, पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बिलावजह मैं कर दी। उसने अपने बंदे के चक्कर में मुझसे बिलावजह, एक बंदे ने बोला कि ऐमन के साथ ना रहो। नहीं, वो उनकी लड़ाई हुई थी, मैं उनकी लड़ाई सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ, साथ में मैं ही गंदी हो गई कि यार तुम्हारी वजह से हमारी लड़ाई हुई है। तो उसको फिर मैं एक दो दिन मैंने स्टॉप किया, क्या करती है क्या करती है, मेरे खिलाफ जब स्टोरी हो रही तो नहीं डाल दी, कोई चीज तो नहीं डाल दी। तो उसको मैंने जो पर स्टॉप किया था, फिर बाकी मैं किसी को स्टॉप नहीं करता। बाकी पता है क्या करती हूँ अपना इंस्टाग्राम पर, मैं खोलती हूँ अपना इंस्टाग्राम सिर्फ अपने नोटिफिकेशन, मुश्तबा को भी बहुत अच्छे से पता है, सिर्फ अपने लाइक्स, अपने नोटिफिकेशन, कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए, बस ये चेक करते हैं और कुछ भी नहीं। मैं देख रहा था कि आपकी हर पिक्चर पे मुश्तबा या वीडियो पे मुश्तबा का एक कमेंट जरूर होता है जो टॉप को होता है। क्या बात, क्या बात है भाई, मोहब्बत है और इंस्टाग्राम पे चल रही है। मुश्तबा आपका हर चीज़ में साथ देते हैं। अब है सवाल, तो हर चीज में साथ देते हैं, कहीं पे भी आप मुसीबत में मुश्किल में होती है तो वो संभाल लेते हैं। लिटरली मैं आपको ये बात बता रही हूँ, अगर मैंने कोई मिस्टेक, तो भी लगा लूं, मुझे लग रहा है बहुत गौर से सुनने वाली बात लग रही है मुझे जी। मैं भी अगर कोई ऐसी मिस्टेक कर दूं ना, जो मतलब बहुत ऐसे बीच में हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है कि हमारे बीच में बड़ी बहुत बुरी बुरी लड़ाई है, और ऐसे मैंने भी बहुत सारी काफी मिस्टेक की है लाइफ में उसके रहते हुए, तो उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है उसने, और कभी भी उसने ये नहीं कहा, अगर मुझे रोता हुआ देख लेना कि यार ये रो रही है, इसको प्रॉब्लम है, तो वो मुसीबत से लड़ पड़ेगा, वो उसको मार डाल देंगे। अच्छा, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, कभी मुश्तबा की वॉलेट से आपने पैसे निकाले हैं, मतलब चुपके से? एक तो होता है ना, पहले मुश्तबा ने बताया भी था कि आप कूनी वूनी मारती है पेट पर, छीन लेती है पैसे हाथ मोड़ के, कभी चुपके से निकाले? नहीं, कभी मुश्तबा ने निकाले आपके वॉलेट से? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मुश्तबा लाइक इस तरह का लड़का है कि अगर उसके पास खुद भी पैसे नहीं होंगे ना, तो एक दफ़ा हुआ था कि हम लोग जब वापसी में आ रहे थे, बहुत शुरू शुरू का टाइम था। सही। तो ये मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है, बट नहीं आप बताएं, आज चैट बैठ पर बैठी नहीं आप। तो हम आ रहे थे, हम लोग गए हुए थे नारायण गहान घूमने के लिए, हमारा फर्स्ट था ना, फर्स्ट टूर या। तो वाजिद था, वाजिद थोड़ा सा ना है ऐसा, थोड़ा है चुलबुला है उसको, तो उसके साथ जो एक लड़की थी, जो उसकी फ्रेंड थी, तो मुझे लग रहा है कोई बहुत कसने वाली बात है यार। उसके साथ जो लड़की थी,
तो मतलब वो उसकी फ्रेंड थी, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो जाहिर है मतलब सबने आपस में शेयरिंग कर करके पैसे दे दे के वो किए थे, बट मैंने मुस्तफा ने मुझसे नहीं लिए थे कि तुम भी दे दो, हालांकि हमारा फर्स्ट टाइम था. वो जो शुरू शुरू की जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये बहुत काउंट करती है, सही है ना, बाकी यादें लग जाती है कि याद रहता है, ये याद रहता है कि यार इसने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, मोहब्बत देखो. तो मैंने उसको देखा ना, मैंने कहा यार वो उससे पैसे ले रहा है, तो वापसी में आते हुए क्योंकि टिकट्स बहुत महंगी हो गई थी, हम बाय ट्रेन आए थे, वो बहुत मजा आया था, ट्रेन में अलग मजा आता है, हाँ से तो बाय एयर जा रही थी, टिकट्स बहुत ज्यादा महंगी. अच्छा अच्छा. तो मैंने उसको देखा, क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद भी सब करना कराने की ना आदत है मुझे, किसी के किसी से लेना देना नहीं, सब खुद करना, हर चीज खुद करनी. तो मेरे दिल में मैंने कहा मैं मुश्तो से पूछूँ क्या कि मैं दे दूँ पैसे इसके लिए ना. तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा मुश्तबा अगर आपको चाहिए तो मैं दे देती हूँ पैसे ना टिकट्स के लिए. उसने मुझे पता है क्या बोला, बोलते तुम क्या मुझे नामर्द समझती हो, तुम मैं कौन हो, मैं कौन हो, खबरदार अगर दोबारा आइंदा ऐसी कोई बात की तो, मतलब मैं एक लड़का हूँ कि तुम लड़की से पैसे लूंगा, मुझे शर्म नहीं आएगी, मैं तो डूब के मर जाना चाहिए. तो वो जो एक चीज थी ना, मुझे बहुत आज तक मुझे याद रहती है, मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया. बढ़िया, अच्छा नहीं सही बात. तो वो बड़े टूर आप लोगों ने एंजॉय किया. हाँ हाँ, बहुत बहुत बहुत. क्या बात है. ये बड़े मजेदार सवाल है जो मैंने खुद बनाया है. मुश्तबा के और आपके घर वाले शादी के लिए सोचे ये चीज, इमेजिन कर रहे हैं कि शादी के लिए नहीं माने. हाँ. ये सोचे भाग के शादी करेंगे मुश्तबा से. नहीं. क्यों? वो भागेगा नहीं, गोद में लेके भाग जाइए. वो नहीं भागेगा और ना मैं भागूँ. अच्छा. क्योंकि वो अपनी माँ बाप का एक ही. अच्छा, इकलौता है. हाँ, इकलौता है. तो उसकी वैसे ही बहुत ज्यादा सुनी जाती है. हाँ, अगर एक दो भाई होते तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, बोलते चल आ जा पहाड़ की चोटी पे चढ़ के करेंगे. हाँ, बुलाओ पंडित को, मतलब मौलवी को. तो वो एक ही है ना, तो मैं बोलती हूँ नहीं यार, नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. वो खुद ही अपने माँ बाप के पीछे पड़ा था, नहीं यार मैं शादी करूंगा तो इससे करूंगा, वरना किसी से नहीं करूँगा. वाह वाह वाह. नहीं नहीं, अल्लाह पाक आप दोनों की शादी जल्द से जल्द करवाए, और बहुत खुशी होगी हमें. इंशाल्लाह. और आप हमें बुलाएंगे नहीं, लेकिन हम फिर भी आ जाएंगे. नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह बुलाऊंगी. थैंक यू. अच्छा, कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया? प्रैंक लाइक किस तरह का प्रैंक? कोई भी ऐसा प्रैंक हो जिस पर, जैसे अभी हमने मुश्तबा के साथ करा है, इस तरह का कोई प्रैंक आपके साथ कभी किसी ने किया जिस पर आपको गुस्सा भी बहुत आया हो कि यार नहीं जाना है? एक दफा हुआ था, हम लोग का सॉन्ग रिलीज हुआ था, तो वो क्या नाम था वो उस लड़के का, आयान, आयान का. तो उसका एक उसका आया था, तो उस पे ना आयान का फ्रेंड का यूट्यूबर है वो भी. अच्छा, शायद आपने वो प्रैंक देखा, उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज है. हाँ, वो मैंने देखा है, वो छोटा सा कट्टा जो लड़का है. हाँ. उसको कितनी कुटाई पड़ी, मारा है उसको. वो एक प्रैंक था, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं प्रैंक करने. अच्छा, वो वाकई मार रहा था पूरी तरह से जो कर रहा था? अच्छा. तो उसने बोला भाई उसे कान लाल हो गए थे, पूरा लाल हो गया था, तो एक तो था भी कान पूरे उसके लाल हो गए थे. तो ये उसके बाद मैं कभी किसी ने नहीं जा रही तो मैं घर पे वर्कआउट करती हूँ. अच्छा. अभी तो एक महीना हो गया कि मैंने कुछ भी वर्कआउट नहीं किया. अच्छा. बट हाँ, मैं जो मील है वो ऐसा लेती हूँ, या फिर हाँ खाने पीने में थोड़ा ध्यान. सही सही सही, बहुत अच्छी बात. और बाय द वे मुझे एक बात बताया, अभी मैंने उससे पूछा, रजा से पूछा, मेरा जो YouTube पर ये 92 की पैदाइश दिखा रही है, ये तो सरासर झूठ है. हाँ, ये 92 की पैदाइश, मैंने वही बोला, मैं तो आने वाली थी, तो मैं बोला तो बुजुर्ग है कोई. नहीं 92 की वैसे है क्या? 1997 है असल. 99 इतना बड़ा बना, 28 साल की बना. नहीं, 32 हो गया. 32 साल की हो गई थी मुश्तबा से भी बड़े. हाँ, उसके बाद हमने मुश्तबा का देखा, तो मुश्तबा का आ रहा है यार 26-27 साल. तो मैंने 26-27 नहीं, वो at least 30 and I am 25 years. सच बात बड़ी चल गई आज. बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए, अच्छा हुआ ये क्लियर भी हो गई ना. हाँ? यार ये झूठी न्यूज़ दे रहा है गूगल. क्या कर रहा है गूगल? क्या कर रहे हो तुम?